हाल ही में रणवीर सिंह साहब काफी चर्चाओं में रहे आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्मेंस की वजह से और अपनी फीस की वजह से। लेकिन अब रणवीर के चाहने वालों के लिए एक बुरी खबर है, रणवीर सिंह आईपीएल में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, नहीं दिखेंगे रणवीर सिंह आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह 7 अप्रैल से शुरू हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 11वें सीजन में परफॉर्म करने वाले थे। जी हाँ, उद्घाटन समारोह में रणवीर की परफॉर्मेंस थी, लेकिन रणवीर के कंधे पर चोट लग गई है। कुछ दिनों पहले रणवीर सिंह फुटबॉल खेलते वक्त चोटिल हो गए और उनके कंधे पर चोट लग गई है। इसी वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें 1 महीने तक कंधे पर कोई भी भार उठाने के लिए या फिर कोई भी मेहनत वाला काम करने के लिए मना किया है। अब यही कारण है कि आईपीएल 2018 में रणवीर सिंह अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। डॉक्टर्स ने उन्हें सख्त रूप से आईपीएल के उद्घाटन समारोह में प्रस्तुति न देने की सलाह दी है। एक्टर के प्रवक्ता ने बयान में कहा कि कई बार की गई मेडिकल जांच के बाद डॉक्टर्स ने रणवीर को आईपीएल 2018 के उद्घाटन समारोह में परफॉर्मेंस न देने की सख्त सलाह दी है। उनका मानना है कि इस प्रस्तुति से उनके कंधे की चोट और भी बिगड़ सकती है। हालांकि इस चोट के कारण रणवीर सिंह गली बॉय की शूटिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहते, लेकिन आईपीएल में परफॉर्म करना उनके लिए नामुमकिन हो गया है। अब खबरों की माने तो आईपीएल के आयोजक ओपनिंग सेरेमनी के लिए ऋतिक रोशन से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके नाम की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। बहरहाल आपको बताते चलें कि रणवीर सिंह जल्द ही गली बॉय में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। फिल्म की कहानी मुंबई के स्ट्रीट रैपर्स के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में रणवीर सिंह रैपर की भूमिका में है। ये फिल्म साल 2019 के वैलेंटाइन डे पर रिलीज होगी। फिल्म में आलिया भट्ट भी हैं, वहीं सिम्बा में नजर आएंगे रणवीर सिंह साहब, जिसमें उनका पुलिस वाला किरदार होगा। लेकिन फिलहाल आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी की वजह से फैंस काफी एक्साइटेड थे, पर अब रणवीर नजर नहीं आएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।